नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? बढ़िया, बताओ। और बताओ आपका नया फोन कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मोबाइल दिया आपने। अरे चलेगा क्यों नहीं, हमारी दुकान से जो लिया है। सही। और कोई शिकायत आएगी भी तो अशोक भाई है ना। एक 100 का रिचार्ज कर देंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, नंबर बताओ। 9810852678 हुआ जी। अरे राम राम अंकल जी, कैसे हैं आप? राम राम बेटा, क्या बताऊं, ये फोन तो काम ही नहीं करता। अरे लाइए देखू तो। अरे तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हारे कहने से मैंने पुराने फोन को बदल के ये नया फोन ले लिया, पर ये काम तो करता ही नहीं, ना किसी से बातचीत हो पा रही है, देख लो। क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, ये देखिए आपका फोन तो सही चल रहा है, रिंग कर रहा है, देखिए। हाँ अभी तो कर रहा है, देखता हूँ ठीक चले। ठीक है अंकल जी, राम राम। नमस्ते। गुड मॉर्निंग विस जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग शर्मा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसा है, आपका तबीयत ठीक ठाक है? सही चल रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, आपका मोबाइल सही काम कर रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा क्या आपका मोबाइल कोई दिक्कत है? यही तो परेशानी है सर, दुकान वाले के पास जाता हूँ, मेरे सामने तो वो ठीक करके दे देता है, लेकिन घर पे लेकर आता हूँ तो ना कोई कॉल आता है ना किसी से बातचीत होती है, बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये अजीब सा बात है शर्मा जी, शुक्र मेरा फ़ोन सही चल रहा है, कल तो मेरा बेटे ने मेरे को फ़ोन किया था। ठीक है जाता हूँ दुकान के पास, उससे बात करता हूँ, बोलूँगा भाई ठीक कर दे फ़ोन मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखो लेना, मैं चलता हूँ। Thank you.
अरे राम राम अंकल जी, आज इतनी सुबह सुबह। राम राम बेटा, ये फोन तो तू वापस ले ले, क्या फायदा इतने महंगे फोन का जब ये काम ही ना करता है। आपको कैसे पता ये काम नहीं करता? अगर ये काम करता तो मेरे बेटे का फोन नहीं आता क्या इसमें? मतलब भैया का फोन नहीं आ रहा आपको? चलिए अंकल जी, एक दो दिन रुकिए, अगर तभी भैया का फोन नहीं आता तो मैं आपको नया मोबाइल दे दूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम समझो। ठीक है अंकल जी, राम राम। राम राम बेटा। हेलो। हेलो, अरे अमन भैया पहचाना? कौन? अरे मैं अशोक मोबाइल वाला, आपके घर के सामने वाली दुकान से। हाँ हाँ अशोक भैया, कहिए कैसे हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ भैया, अच्छा हुआ आपने पहचान लिया। 2 साल पहले देखा था आपको, जब अम्मा जी का देहांत हुआ था, उसके बाद से तो आप आए ही नहीं। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अरे भैया हमें ना सही तो अंकल जी को ही फ़ोन कर लिया करो, उनसे ही आपकी खैर खबर मिल जाती है। बोलो, करोगे ना आज अंकल जी को फ़ोन? हाँ ओके, आज करूँगा पक्का। बिल्कुल कीजिएगा, और जब अमेरिका से आएंगे तो वो अमेरिका वाली चॉकलेट ज़रूर लाइएगा हमारे लिए। ओके ओके। हेलो। हेलो पापा, मैं अमन बोल रहा था। अमन, अमन बेटे कैसे हो, और तू मुझे फ़ोन क्यों नहीं करता? वो एक्चुअली बात ये है कि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और इसी कारण मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। अरे रहने दे, तू ज़रूर करता होगा, मेरा ही फ़ोन अक्सर ख़राब रहता है ना, और मैं सामने वाले अशोक की दुकान पे रोज जाकर उससे अपने मोबाइल ठीक कराता था। कल जाकर उसे कह दूंगा कि भाई मेरा फोन खराब नहीं है। तेरे से बात हो गई है मेरी? जी हाँ बिल्कुल। और बता, अमेरिका में कैसा चल रहा है? हाय फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक फिक्शन वीडियो शूट कर रहे हैं। ये हमारे डायरेक्टर साहब और कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं ये लोग। हमारे साथ फागुना जी खड़े हैं। फागुना जी बताइए क्या प्ले कर रहे हैं आज अपने सेक्शन में? होटल गुड डुक पे है, इसलिए उसको तब उसके साथ साथ घूमना है। अच्छा घूमना उसके साथ, तो फागुना जी घूमने वाले हैं आज पूरे वीडियो में। सर कुछ बोलिए आप, क्या क्या समझाइएगा आज हमें? नहीं नहीं, आपका फिक्शन है आज, सारा ग्रुप स्टोरी डिस्कस हो गया है, लोग लगे हुए हैं काम पे, अपने कैरेक्टर ड्रेस पहनना, मेकअप लेना, थोड़ी देर में शूटिंग शुरू करेंगे। जैसे जैसे काम होगा आपको समझ में आएगा कि सीन शॉट क्या है, जैसे आप शॉट्स लेते हैं। ठीक है।
केशव उर्फ कल्लू दादा और हमारे विपिन भाई नए कैमरामैन है। आधा शूट निपटा लिया है और लंच भी कर लिया है, तो लंच के बाद दोबारा सेटअप हम लोग तैयार करके शूट के लिए रेडी होने वाले हैं। आइए जरा सेटअप का हाल दिखाते हैं आपको।